बंद कर दो वॉल्यूम। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त हम सोलन जिला के वाखना घाट से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जुनून और बुलंद हौसले के आगे बड़ी सी बड़ी चुनौती भी आसान बन जाती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिला सोलन के वाखना घाट के रहने वाले ब्रिजेश सिंह ने यह साबित भी कर दिया। कन्याकुमारी से लेकर सियाचिन तक साइकिल पर 44 किलोमीटर के करीब 4000 किलोमीटर का सफ़र उन्होंने तय किया है और केवल 23 दिनों में। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि जो साइकिलिस्ट होते हैं वो ज़्यादातर श्रीनगर से कन्याकुमारी की ओर चलते हैं, लेकिन यह पहली बार है कि ब्रिजेश सिंह ने जो रास्ता चुना वो कन्याकुमारी से सियाचिन की ओर चुना। तो उनसे जानते हैं, इस वक्त हमारे साथ ब्रिजेश सिंह जी मौजूद हैं पंजाब केसरी टीवी में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। काफ़ी बड़ी उपलब्धि हासिल की है आपने कन्याकुमारी से और सियाचिन तक 43 किलोमीटर का करीब का सफ़र आपने बताया है, तो 23 दिनों में, तो क्या क्या सफ़र का अनुभव रहा? सफ़र का अनुभव बहुत अच्छा रहा है। काफ़ी चैलेंजिंग सफ़र था और टोटल हमने 4000 किलोमीटर किया देश के एक कोने से दूसरे कोने तक। एक्सट्रीम सदर्न पॉइंट जो कन्याकुमारी है, वहाँ से एक्सट्रीम नॉर्दर्न पॉइंट जहाँ पे सिविल जो इंडियंस हैं उनको एक्सेस है सियाचिन, तो 12 स्टेट्स और 2 यूटीज क्रॉस किए। अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग फ्लेवर देखने को मिला, अलग अलग वेदर कंडीशंस देखने को मिली, अलग अलग ज्योग्राफिकल चैलेंजेस एंड ब्यूटीज देखने को मिली, तो ओवरऑल बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। आमतौर पर हम देखते हैं कि जितने भी साइकिलिस्ट हैं वो मैक्सिमम श्रीनगर से कन्याकुमारी की ओर चलते हैं, लेकिन आपने कन्याकुमारी से सियाचिन की ओर रूट को चुना, तो क्या वजह इसके पीछे रही? जैसे आपने कहा कि आमतौर पर जो साइकिलिस्ट हैं वो श्रीनगर से कन्याकुमारी जाते हैं, तो पहला रीज़न ये था कि मुझे कुछ डिफरेंट करना था, एक अनयूजुअल रूट लेना था जो पहले कभी ना किया हो, और रास्ते भी डिफरेंट लेने थे। तो हमने प्लान किया कि हम कन्याकुमारी से श्रीनगर ना जाके जो हमारा भारत का सबसे एक्सट्रीम नॉर्दर्न पॉइंट है सियाचिन, तो क्यों ना वहाँ तक जाया जाए, क्योंकि उसके दो रीज़न्स हैं। ये सबसे डिफ़िकल्ट रूट है। अगर आप देखें, जैसे ही आप पहाड़ों की साइड को आते हो, मनाली से आगे पूरे आपको 6 पासेस क्रॉस करने पड़ते हैं, 6 हाई ऑल्टीट्यूड पासेस जो 12000 से लेकर 17900 तक जिनकी हाइट रहती है, और जो वेदर कंडीशंस रहती हैं वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट रहती हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो पहले नहीं किया हुआ है, तो हमने डिसाइड किया कि ओके, कन्याकुमारी से हम सियाचिन चलते हैं, और रूट हमने मनाली वाला लिया। यूजुअली लोग श्रीनगर वाला रूट लेते हैं, पंजाब पठानकोट वाला। हमने सोचा कि हम और चैलेंजिंग रूट लेंगे ताकि एक लोगों को इंस्पिरेशन मिले, क्योंकि सभी लोग एक ही रास्ते को फॉलो कर रहे हैं, कोई डिफरेंट रूट को नहीं देख पा रहा है। हमने सोचा कि हम एक नया रास्ता दिखाते हैं, शायद और आने वाले और साइकिलिस्ट होंगे वो उससे इंस्पायर होंगे और वो और भी लोग इस जर्नी को फॉलो करेंगे। जो आपने समय चुना इस सफ़र के लिए, क्योंकि 2 जून से आपकी यात्रा शुरू हुई थी, उस वक्त अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें या नॉर्थ इंडिया की बात करें तो मौसम काफ़ी ख़राब था, बेमौसमी बारिशें यहाँ पर हो रही थी, पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो रही थी, तो इस तरह का मौसम का सामना हुआ है आपका इस दौरान? मौसम के हमारे काफ़ी चैलेंजेस रहे हैं, क्योंकि अगर हम साउथ इंडिया को देखें वहाँ पे जून के महीने में काफ़ी गर्मी होती है, फिर जैसे जैसे ऊपर आते हैं आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये हीट वेव से हीट वेव शुरू हो जाती है इन एरियाज़ में, तो हम इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर थे, क्योंकि हमें पता था कि ये चैलेंज आने ही वाले हैं। तो एज अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन हम ऑलरेडी अपने आप को कंडीशन कर चुके थे कि बीच में ठंडा मौसम भी आएगा, जैसे ऊपर की साइड गए हम, जैसे
लद्दाख की साइड गए तो काफ़ी कोल्ड वेदर था, और जो मिडिल इंडिया और साउथ इंडिया में गए तो वहाँ पे हीट वेव चल रही थी, तो हमने ये ऑलरेडी एक्सेप्ट करके चले थे कि ये आने हैं और इस चैलेंज को हमारे को फेस करना ही पड़ेगा, एंड वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड। पेशे से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इन चीज़ों से वैसे माना जाए तो आपका ज़्यादा जो संबंध रहा है वो पढ़ाई से ही रहा होगा, लेकिन जिस तरह का आपके दिमाग में कैसे आइडिया आया कि इस तरह का जुनून वाला काम करना है, या इससे पहले भी आपने कुछ इस तरह के साहसिक कार्य किए? मैं काफ़ी सालों से एडवेंचर स्पोर्ट्स में हूँ, मैं माउंटेनियरिंग करता हूँ, काफ़ी एक्सट्रीम माउंटेन्स मैंने क्लाइम किए हैं, मनाली से ले साइकिलिंग भी पहले की हुई है, तो कोई ऐसा मतलब मुझे कुछ नया नहीं लगा, इट जस्ट की जर्नी नहीं थी, बाकी जो एक्सट्रीम स्पोर्ट है वो ऑलरेडी मैं करता जा रहा हूँ, क्योंकि माउंटेनियरिंग अपने आप में एक्सट्रीम ये स्पोर्ट है, मैंने मतलब काफ़ी सारे इंडिया और नेपाल में माउंटेन्स क्लाइम किए हैं, तो कुछ नया नहीं था मुझे। आपने जो कन्याकुमारी से जब यात्रा साइकिल पर शुरू की तो आप केवल दो लोग ही थे, आप थे और आपके साथी मनमोहन जी थे, तो रास्ते में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें, क्योंकि दो ही लोग थे तो कैसे एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे थे? जी बिल्कुल, बहुत सारी दिक्कतें आई, मेडिकल इश्यूज आए और कुछ साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आई, लेकिन हम लोगों एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे थे, तो सारी बात ये थी कि हमारा ड्रीम हमारी प्रॉब्लम से ज़्यादा बड़ा था, तो हम अपनी जो प्रॉब्लम्स थी वो साइडलाइन करते हुए और अपने ड्रीम के ऊपर, अपने टारगेट के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस था, तो उस रीज़न से ये सक्सेसफुल भी हो गया। तो आपका, क्योंकि जो हमारे युवा हैं वो नशे की ओर भी बढ़ रहे हैं, तो उनको एक क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि जो जिस तरह का आपने अचीवमेंट हासिल की है प्रदेश के लिए, प्रदेश का नाम भी आपने रोशन किया है पूरे देश में? मेरा एक संदेश रहेगा कि आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे और तरीक़ों से मीनिंगफुल बना सकते हैं, नशा एक बहुत ईजी रूट है अपनी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय करने का, लेकिन ये ज़िंदगी बहुत सुंदर है और बहुत अच्छे तरीके से जी जा सकती है, आप नेचर में अपने आप को जितना इन्वॉल्व करोगे आप उतने ज़्यादा लाइफ लॉन्ग खुश रहोगे, हेल्दी रहोगे, और आप अपने पर्सनल लाइफ में अगर आप कुछ प्रोफेशनली भी कुछ कर रहे हो तो ये चीज़ें आपको लाइफ में बहुत सक्सेसफुल भी बनाएंगी आपका, क्योंकि आपका एक मेंटल डेवलपमेंट होगा, आप मेंटली स्ट्रांग होंगे, आप फिजिकली स्ट्रांग होंगे, आप नशे से अपने आप ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे, तो एक नया नज़रिया है जो आप जिस नज़रिए से अपनी लाइफ को देख सकते हो, और आई थिंक आपको चेंज वो अपने आप दिखेगा, अगर आप बुरी आदतों से जूझ रहे हो तो आप इस साइड को, इस लाइफ को दूसरी नज़रिए से देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली अपने आप में चेंज दिखेगा और ज़िंदगी बहुत अच्छी भी कही है। सर, आपसे आखिरी सवाल है, अगर हम राजनेताओं की बात करें थोड़ा मैं सर को दे रहा हूँ, उनका कहना होता है कि देश में एक नफरत की हवा चली हुई है जगह जगह पर, तो आपने 12 स्टेटों में आप घूम कर आए हैं, 2 केंद्र शासित राज्यों में आप घूमें, तो कहीं ऐसा नज़र आया कि भारत में कोई नफरत की बात है भी? मेरा नज़रिया बिल्कुल डिफरेंट है, हमारे को हमने 12 स्टेट्स और 2 यूटीज क्रॉस किए हैं, और हमारे देश के लोग बहुत अच्छे हैं, हमारा देश बहुत सुंदर है, बहुत सपोर्टिंग लोग हैं, क्योंकि हम जैसे रात में राइड कर रहे थे, दिन में राइड कर रहे थे, हमारे को लोगों ने बीच में इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, लोग हमारे से पूछ रहे हैं, और कई लोग हमारे लिए खाना लेके आ रहे हैं, कई लोग हमारे लिए ड्रिंक्स लेके आ रहे हैं, मतलब पानी दे रहे हैं, हमारे मतलब हमारा वेलकम कर रहे हैं, हमारे को बहुत जगह लोगों ने बैठ के हमारे से जाना कि आपकी जर्नी क्या है, तो मतलब मुझे एक दूसरा भारत दिखता है, और हमारे लोग, हमारा देश बहुत सुंदर है, मेरा नज़रिया बिल्कुल डिफरेंट है कि कोई हेट्रेड नाम की कोई चीज़ बीच में नहीं दिखी मुझे। दिन में, क्योंकि आपने 4000 किलोमीटर का सफ़र तय किया तो दिन में करीब आप 200 किलोमीटर चलते थे, तो कैसा अनुभव रहा, थक भी जाते होंगे? जी बिल्कुल, हमारा ऑन एन एवरेज मतलब 4000 किलोमीटर हमें डिस्टेंस क्रॉस करना था, तो हमारा टारगेट, हमने जो प्लान किया था कि 200 से 250 किलोमीटर पर डे चलना पड़ेगा, लेकिन हमारी ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी, हमने अपने आप को इतना फिजिकली प्रिपेयर किया था कि अगर हम इतना चैलेंजिंग टारगेट लेके चल रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ तो अपने आप को तैयारी करनी पड़ेगी, तो हम काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार थे, जो चैलेंजेस आए उनको फेस करते गए, उनसे मतलब
फाइट करके हम आगे अपने टारगेट की साइड बढ़ते गए, तो जर्नी ओवरऑल बहुत फुलफिलिंग थी। हमारे साथ मनमोहन जी भी जुड़े हुए हैं, जो साथ में ब्रिजय सिंह के साथ जिन्होंने 4000 किलोमीटर का सफ़र कन्याकुमारी से सियाचिन तक साइकिल पे पूरा किया है, तो उनसे भी जाने। तो सर कैसा अनुभव रहा आपका 4000 किलोमीटर का? जैसे जी सबसे पहले तो मैं ब्रजेश्वर जी का थैंक्स करना चाहूँगा कि इतनी बड़ी राइड पे इन्होंने मेरे को इनवाइट किया। हम 2015 से जानते हैं दूसरे को, ही इज़ द पर्सन जिन्होंने मुझे साइकिलिंग के लिए मोटिवेट किया। मैं सबसे पहले 2015 में इनको साइकिलिंग पे मिला था, तो उसके बाद ही मैंने डिसाइड किया था कि साइकिलिंग शुरू करूँ, और एकदम से इनका कॉल आया, तो उस कॉल की वजह से मैं इतना मोटिवेट हो गया कि कुंवर जी ने मेरे को इतनी बड़ी राइड पे इनवाइट किया। एंड रियली इट वॉज अ अमेजिंग राइड जो कुंवर जी ने आपको बताया कि हमें इतने चैलेंजेस फेस करने पड़े, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात क्या थी, एक तो दोनों के मन में पॉजिटिविटी थी कि हम एक दूसरे की सपोर्ट, हम एक दोनों ही थे उस सारी राइड में, मतलब हमने किसी को भी नेगेटिव नहीं होने दिया दोनों ने। तो ऐसे मीन्स हम एक दूसरे को मोटिवेट करते गए। कुंवर जी को काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, हेल्थ वाइज एक्सीडेंट हुआ, थोड़ा कट आया, लेकिन हमने उस चीज़ को हमने नेगेटिविटी में नहीं लाने दिया, बिल्कुल एक दूसरे का साथ बन के चले और हमारी ये राइड पूरी होती है। विजय सिंह जी का युवाओं से सीधा आह्वान है कि नशे में कुछ नहीं रखा है, नशे से दूर रहें और इस प्रकार के जो चैलेंजिंग है इस तरह के साहसिक कार्य करें, उससे जीवन खुशहाल बनेगा और प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का नाम भी रोशन होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पालकी रिपोर्ट।